नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हैं, उसी प्रकार से नए नए प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आने लग गए और अपनी दावेदारी की ताल ठोकने लग गए। आज हम चर्चा करेंगे साथियों, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अपने आप में झज्जर जिले के एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है अतीत में भी, और बहादुरगढ़ से वर्तमान के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र जून जी हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राजेश जून हैं जिन्होंने एक बार पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पिछले चुनाव में भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनाव मैदान में उतर रहे थे। तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आप अपना पर्चा उठा लो, आगे जो चुनाव 2024 का होगा हम आपके ऊपर विचार करेंगे। तो दूसरी तरफ से राजेश जून जी जो कांग्रेस पार्टी के पैरेलल प्रत्याशी आज वहाँ राजेंद्र जून के मुकाबले टिकट मांग रहे हैं। लेकिन एक तीसरी दावेदारी कल कांग्रेस पार्टी की ओर से और उभर करके आई है, और वो दावेदार ऐसे हैं जो सन 2000 में बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के निशान पर साथियों चुनाव लड़ चुके हैं, और उस चुनाव में उनका काफ़ी करीबी और कांटे का मुकाबला उस समय के इनेलो प्रत्याशी नफे सिंह राठी जी से हुआ था, और नफे सिंह राठी जी वो चुनाव जीत गए थे। बाद में वही प्रत्याशी बेरी विधानसभा से क्षेत्र से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आए, लेकिन बेरी में भी वो जीत नहीं पाए। वो प्रत्याशी हैं साथियों रमेश दलाल। रमेश दलाल ना केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर, बल्कि एक दौर तो ऐसा था जब समूचे भारत देश के अंदर उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता था। वो राजीव गांधी हत्याकांड में उस केस में गवाह के रूप में थे या किस रूप में थे, उनका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहता था, और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था एक दौर साथियों वो था कि वो उस समय उनके काफ़ी नज़दीक थे। लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था, और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आज कल उन्होंने जो है एक पंचायत दलाल खाप के चबूतरे के ऊपर बुलाई, जिसमें छिल्लर छकारा गोत्र के गांव जो लगते हैं बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथियों वो भी थे, और दलाल गोत्र के उनके जो गाँव लगते हैं वो भी थे। और उस पंचायत के अंदर एक निर्णय लिया गया कि किसानों की जो ज़मीन सरकार ने पीछे अखबार की थी, चाहे वो रोड के लिए की किसी और चीज़ के लिए, तो उसके लिए उसके ऊपर रमेश दलाल ने बार बार साथियों बड़े लंबे आंदोलन किए हैं, और उन आंदोलनों के अंदर रमेश दलाल ने काफ़ी संघर्ष करके विजय प्राप्त की, और सरकार ने उनकी बात को माना और किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा उनको उन्होंने दिलवाया। तो ये जो प्लस पॉइंट है किसान नेता के रूप में अपनी एक छवि बनाने में वो साथियों जरूर कामयाब रहे हैं। तो दलाल खाप के चबूतरे पर जो कल पंचायत हुई, उस पंचायत के अंदर जो निर्णय निकल करके आया, वो निर्णय यही निकल करके आया कि दलाल साहब को उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी की जनता को आवश्यकता है, और आप चुनाव मैदान में जरूर आइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने रमेश दलाल जी को एक सलाह भी दी कि आप कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव मैदान में आएं। तो बाद में पंचायत होने के बाद जब अपना संबोधन रमेश दलाल जी ने दिया, तो उन्होंने एक बात तो साथियों जरूर कही कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सभी को पता है कि 31 जुलाई तक कांग्रेस प्रत्याशी अपने नाम कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के सामने दर्ज करवा रहे हैं जो टिकट के चाहने वाले हैं, कि वहाँ तो जाकर के मैं आवेदन दे दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के किसी मंच पर नहीं जाऊंगा। अगर उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं अपनी ऊपरी सतर पर अपने जो मेरे ताल्लुकात कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से हैं उनसे मैं ज़रूर बात करके टिकट लेने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसके बाद क्या निर्णय आप लोग लोगे। और इस निर्णय को लेने के लिए रमेश दलाल जी ने 11 अगस्त को एक पंचायत बहादुरगढ़ के अंदर बुलाई है। सही निर्णय और अंतिम निर्णय की मोहर तो 11 अगस्त को जो पंचायत बहादुरगढ़ के अंदर रमेश दलाल जी ने बुलाई है, जिसमें समूचे हलके के बहादुरगढ़ के जो उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो शहरी आंचल के हैं या ग्रामीण आंचल के हैं,
उन सभी से सलाह मशवरा करके और बातचीत करके वो अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन इस प्रकार की स्थिति को साथियों अगर हम देखते हैं तो बहादुरगढ़ से जो उम्मीदवार टिकट चाहने वाले हैं या चुनाव लड़ने वाले हैं, एक बार चर्चा हम उनके बारे में भी हमें करनी चाहिए। जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने एक बात तो घोषणा कर ही रखी है कि नफे सिंह राठी जी के परिवार से हमारी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होगा। वो फैसला नफे सिंह राठी जी के परिवार ने लेना है कि प्रत्याशी के तौर पर उन अपने चाचा के लड़के को या स्वयं राठी साहब के लड़के या उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ती हैं या कोई और लड़ता है। लेकिन जहाँ तक सूत्र हैं, सूत्र यही पुष्टि कर रहे हैं कि नफे सिंह राठी जी के परिवार से इनेलो के निशान पर एक आदमी चुनाव मैदान में जरूर आएगा। दूसरी तरफ से साथियों, राजेश जून की जैसे हमने चर्चा की, अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है या नहीं देती है तो वो भी चुनाव की ताल एक तरह से निश्चित रूप से ठोकेंगे। जहाँ तक राजेंद्र जून शीटिंग MLA की बात है, जनता के अंदर जो कयास लग रहे हैं वो तो यही कयास लगे हुए हैं कि राजेंद्र जून जी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के आएंगे, कहीं कहीं से शीटिंग गेटिंग का मामला भी कांग्रेस के अंदर चलता है, 3-4 बार के वो लगातार विधायक भी वहाँ से रहे हैं तो उनका दावा भी मजबूत है। इसी दावेदारी के अंदर एक नाम आज जैसे जुड़ा है वो रमेश दलाल का भी जुड़ा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की साथियों बात है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने टिकट के लिए दौड़ में लगे हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो नाम वहाँ के पूर्व विधायक जी का है, शर्मा जी कौशिक साहब का, और दूसरी तरफ से जो वर्तमान में जो सरोज राठी जो चेयरमैन हैं बहादुरगढ़ नगर पालिका की, उनके जो ससुर हैं कर्मवीर राठी जी, वो भी पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, कहीं न कहीं कर्मवीर राठी जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के लिए अपना प्रयास निरंतर कर रहे हैं। कई नाम और भी हैं, आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी वहाँ से आएगा, जजपा का भी प्रत्याशी वहाँ से आएगा। जनता ने फैसला लेना है कौन आदमी कांग्रेस की टिकट लेके आएगा, कौन भाजपा की लेकर के आएगा, और जनता फिर निर्णय करेगी किसके सिर के ऊपर जीत का ताज सजेगा साथियों। लेकिन कहीं न कहीं अगर कांग्रेस पार्टी के हम विशेष रूप से चर्चा करें तो बहादुरगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो असमंजस की स्थिति में जरूर है। वहाँ तीनों के तीनों प्रत्याशी जो कांग्रेस की टिकट से दावा कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र जून जी हों, चाहे वो राजेश जून जी हों, और नया नाम जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि रमेश दलाल जी हों, तीनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना एक वोट बैंक है, जनता के अंदर तीनों का नाम भी है और तीनों का समाज सेवा के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। फैसला कांग्रेस पार्टी ने करना है टिकट का, और फिर जीत का फैसला जनता ने करना है। कोई और अपडेट अगर हमारे ऊपर पास साथियों आएगी तो जल्दी ही हम उसके ऊपर भी अपना बात जो अपनी आपके सामने पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुक्रिया।